नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह। नाज़रीन, कराची में छुट्टी के दिन, तातील के दिन नाश्ता जो है वो हलवा पूरी से किया जाने लगा है। बड़ी तादाद में लोग हलवा पूरी लेने आते हैं आज, और जो हलवा पूरी मशहूर और मारूफ होती है, जो ज़्यादा पसंद की जाती है, वहीं पे ज़्यादा रश होता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि हलवा पूरी किस तरह तैयार हो रही है और किस तरह लोग यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे आएँ और हलवा पूरी दिखाएँ कि किस तरह तैयार हो रही है। ये देखें नाज़रीन, ये तैयारी के मराहिल है हलवा पूरी के। बड़ी तेज़ी से जो है वो काम किया जाता है। एक जो है वो नौजवान पूरियाँ तैयार कर रहा है, बेल रहा है, उनको अपने हाथों से तैयार करके कढ़ाई में डालता है। दूसरा जो है वो वर्कर उसको तलने के बाद बाहर निकालता है। जबकि हम आगे आते हैं तो हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ कस्टमर को हलवा और किस तरह से तैयार करके दिया जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। कि तरकारी होती है आलू छोले की, और इसके साथ हलवा ये तैयार करते हैं। SOPs के साथ जो है वो ये तैयार करके दिया जा रहा है। ग्लव्स पहने हुए हैं इन्होंने, कैप लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इनके सरों पर कैप भी हैं, और कस्टमर इनसे ये हलवा पूरी ख़रीद रहे हैं। जबकि यहाँ जो है वो पूरी तैयार हो रही है इस तरफ, और एक चेन सिस्टम पर काम होता है। लोग पहले टोकन लेते हैं, तरकारी लेते हैं, उसके बाद जितनी तादाद में पूरियाँ उनको दरकार होती हैं वो टोकन दिखाकर पूरियाँ वसूल करते हैं। वहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लोगों की लाइन लगी है, रश लगा हुआ है, और ये हलवा पूरी लेने आए हुए हैं लोग। हम यहाँ एक साहब खड़े हुए हैं, इनसे भी मालूम करते हैं। जी भाई, आप अक्सर आते हैं क्या यहाँ पर? जी अक्सर यहीं आते हैं लेने के लिए। तो क्या वजह है यहीं से लेते हैं? यहाँ तो और भी दुकानें चार पांच। नहीं, इनकी ज़रा वैरायटी अच्छी होती है ना। अच्छा। चीज़ अच्छी होती है, हलवा पूरी, मिठाई वगैरह, बेकरीज वगैरह, हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी होती है इनकी। आप मतलब छुट्टी वाले दिन ही आते हैं अमूमन? आते हैं तकरीबन छुट्टी वाले दिन भी, बीच में एक आध दफा लग गई तो वो भी आ जाते हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि आप भी अक्सर आते, थोड़ा इस तरफ घूम जाएँ। मैं पहली दफ़ा इधर घूम जाए, थोड़ा इधर सामने मुँह कर। मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा, आपको किसी ने बताया था यहाँ पे आने का? नहीं नहीं, मेरी रिहाइश पीछे ही है तो मैं आगे से लेता हूँ, तो आज वो बंद था तो मैं इधर आ गया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पहली दफ़ा आए? यहाँ पहली दफ़ा। भाई साहब, आप बताएंगे थोड़ा सा कि आप आए पहले यहाँ पर? नहीं नहीं, हम तो तकरीबन यहीं से आते हैं, यहीं से रहते हैं कि हम यहीं रहते हैं, और माशाल्लाह नी की अच्छी होती है हलवा पूरी वगैरह। तो इलाके में और भी हैं, और भी आगे पीछे हैं, मगर माशाल्लाह नी की अच्छी होती है, इसलिए ज़्यादा आते हैं। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना यह है कि यहीं से लेते हैं वो हमेशा, और तातील के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। आज इतना रश नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि ईद का मौका है और लोगों के घरों में कुर्बानी होती है, कलेजी खाते हैं लोग, उससे नाश्ता करते हैं। हम इसके रूए रवा जो है, इसके ऑनर जो हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे मालूम करेंगे अंदर चलकर कि किस तरह से टोकन लिया जाता है, ये भी आपको तरतीब बताई जाएगी। और यहाँ पर जो है लोग जो है वो मौजूद हैं और टोकन ले रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लोग यहाँ पर टोकन ले रहे हैं। मिठाइयों का भी यहाँ पर रश है, लोग ईद के मौके पर मिठाई भी लेके जाते हैं, और मिठाई भी लेकर जाते हैं लोग यहाँ पर। काउंटर है ये, और काउंटर पर लोग रकम अदा करते हैं। क्या नाम है आपका? परवेज अहमद।
परवेज अहमद। अच्छा ये बताइए कि आप कब से यहाँ हलवा पूरी का काम कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। काफ़ी रश नज़र आता है और आज रश कम है, क्या वजह? ईद की वजह है ना, इस वजह से, ईद की वजह से आज कम लोग हैं। यहाँ क्या तरीक़ाकार होता है हलवा पूरी लेने का, किस तरह से मतलब टोकन लिया जाता है बताइए? पहले टोकन लेते हैं, फिर बाहर से टोकन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बाहर से लाइन में लग के तो इनको मिलता है हलवा पूरी। आपके माशाल्लाह जायका कहा जाता है कि अभी हमने बाहर भी लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि जायका बहुत ज़बरदस्त है, तो ये जायका कैसे है, मतलब आपका कोई ख़ानदानी काम है ये कारीगर अच्छे आप? ये तो कारीगर के ऊपर होता है ना सब, कारीगर अच्छा होगा तो चीज़ अच्छी बनेगी। ये कहाँ से कारीगर ले आए आप? कारीगर ये गांव पंजाब के ही है। जी जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब से ये खुसूसी तौर पर कारीगर लेकर आए हैं और यही वजह है कि इनका जो कारोबार भी चमक रहा है और लोगों को एक अच्छी जायकेदार जो है वो हलवा पूरी मैसर आ रही है। यहाँ इनके पास दीगर अशिया भी मौजूद हैं, मिठाइयाँ भी हैं और दहलवी स्वीट के नाम से ये फरोख करते हैं लांडी नंबर 5 चिराग होटल पर। मज़ीद हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि मज़ीद अशिया इनके पास होती हैं, मिठाइयाँ भी लोग लेके जा रहे होते हैं। और एक साहब यहाँ पर मिठाई लेने कर आए थे, तो इनसे मालूम करेंगे कि जनाब आप यहाँ से मिठाई लेने आए, क्या वजह है? मसला ये है कि यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है और बहुत लजीज है और इसके अलावा यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा है, इनकी वैरायटियाँ बहुत सारी हैं इनके पास, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ लगी हुई हैं इनके पास। और केक जो है इनके बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर लेने, हम खुद आते हैं लेने, तो केक भी इनके बहुत अच्छे होते हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि एक वैरायटी इनके पास अच्छी होती है, जायका इनके पास अच्छा होता है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अपने नाज़रीन को वैरायटी और जायका और मुनासिब कीमत से मुतालिक आगाह कर सकें कि कहाँ उनको आसानी से अच्छी वैरायटी में जो है वो अशिया मैसर आ सकती हैं, कहाँ उनको अच्छे जायके में अशिया मैसर आ सकती हैं और कहाँ उनको कम कीमतों में अशिया मैसर आ सकती हैं। बड़े ख़ूबसूरत और दीदाज़ेब केक यहाँ इनके पास मौजूद हैं जो देखे जा सकते हैं, ईद के मौके पर ये केक तैयार किए गए हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी केक जो हैं बड़े ख़ूबसूरत और दीदाज़ेब हैं, जायकेदार हैं, जिसका लोगों ने भी ज़िक्र किया कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कारोबार चमकता और चलता इसी बिना पर है कि जब खूबसूरती भी हो, जायका भी हो और लोगों को चीज़ें पसंद आएं, तो इसी बेस पर कारोबार चलता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लांडी नंबर 5 चिराग होटल पर दहलवी स्वीट के हलवा पूरी नहीं, दीगर अशिया भी जो है वो लोगों को पसंद आती है और वो इस पर जो है रश पड़ता है। आज ईद की वजह से मिठाइयों पे तो रश नज़र आ रहा है, लेकिन हलवा पूरी पे इतना रश नहीं है जितना सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन में लगे होते हैं यहाँ पर, हमने देखा है, और वो हलवा पूरी ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि जायका है तो कारोबार चमकता है। जी